Good morning, every viewers. Today we are going to study on the topics of minerals and power resources. During previous videos, we discussed about different topics. Today we will discuss about manganese, mica, and limestone. In different parts of the world, which part of India and world where manganese are found, what are the use of these different minerals. So manganese is used for making low cost stainless steel and alloy. मतलब मैग्नीज का यूज जो है लो कॉस्ट के स्टेनलेस स्टील बनाने में और इसके अलॉयज बनाने में इसका यूज होता है. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है. एंड डिस्पोजिबल बैटरीज बनाने में भी इसका यूज होता है. उसके साथ साथ मैग्नीज जो है ग्लास एंड सिरामिक्स कैन बी कलर्ड बाई यूजिंग वेरियस कंपाउंड्स ऑफ मैंगनीज. मतलब ग्लास और सिरामिक्स में भी कलर्ड करने में इसका यूज जो है अलग अलग कंपाउंड्स का जो मैंगनीज है उसका यूज होता है. अब रही बात इसके वर्ल्ड में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है. उसके बाद रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, चाइना, घाना, मोरक्को. All these countries means Australia महादेश में है, कॉन्टिनेंट में है. रशिया एशिया एंड यूरोप में है. साउथ अफ्रीका अफ्रीका में है. ब्राजील साउथ अमेरिका में. चाइना एशिया में. घाना अफ्रीका. मोरक्को अफ्रीका. तो ये सारे कंट्रीज जो हैं दुनिया के अदर कंट्रीज हैं जहां पर ये पाए जाते हैं, मैंगनीज पाए जाते हैं. इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. इंडिया में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. ये सारे स्टेट्स हैं जहां पर मैग्नीज जो है इंडिया में पाया जाता है. मिस मैग्नीज जो है इंडिया के इन सारे स्टेट्स में फाउंड होते हैं. इसके बाद है माइका. माइका इज यूज्ड इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस. अनेक इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस जो है, जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं उसमें क्या होता है, एक्चुअली क्या है माइका, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का डाई कंडक्टर है. यह वोल्टेज को भी कम करता है और पूरी तरह से डाई कंडक्ट भी करता है. तो इसका यूज जो है इंक्रीजिंग इन इक्विपमेंट दैट इनकाउंटर वेरी हाई टेम्परेचर. मीन्स हाई टेम्परेचर पर चलने वाला जो है उसको भी ये इनकाउंटर करता है, जैसे रॉकेट है, मिसाइल्स है, इसमें हाई टेम्परेचर्स का यूज होता है. तो इसमें भी इसके लिए भी माइका सबसे सफिशियंट मिनरल्स है. ये वर्ल्ड में फाउंड कहाँ कहाँ होते हैं, तो साउथ अमेरिका में और इंडिया में ये फाउंड होता है. इंडिया में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. इंडिया में यह लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया इस माइका का. हालांकि ये ओल्ड डाटा है, फिर बिहार और माइका जो इंडिया में जो पाए जाते हैं उनमें बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान है जहां पर माइका लार्ज स्केल पर फाउंड होते हैं. इसके बाद आइए लाइमस्टोन. लाइमस्टोन जो है सीमेंट बनाने में यूज होता है. तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट. मतलब सीमेंट बनाने में इसका यूज होता है, मोर्टार बनाने में यूज होता है, ग्लास में भी इसका यूज होता है. इट इज क्रश्ड फॉर यूज एज एग्रीगेट द सॉलिड बेस फॉर मेनी रोड्स. बहुत सारे रोड्स में भी इसका यूज होता है. इट इज यूज इन ब्लास्ट फर्नेस टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट्स ओर. मतलब ओर, इसके ओर जो होते हैं ओर से निकालने के लिए, ओर से आयरन को अलग करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस होता है जहां पर हाइयर टेम्परेचर पर आयरन ओर को रखा जाता है, गर्म हीट किया जाता है. तो उसके लिए भी लाइम स्टोन की जरूरत होती है. उसे ब्लास्ट फर्नेस में ये देते हैं तब वो ओर से जो है वो आयरन अलग होता है. ये वर्ल्ड में ये कहाँ पाए जाते हैं, तो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट फ्रांस में ये पाया जाता है, वो भी काकेशस रीजन जो फ्रांस में है वहां पर ये लार्ज स्केल पर पाया जाता है. इसके अलावा हमारे इंडिया में भी बड़े पैमाने पर पाया जाता है और इंडिया में एकमात्र
है, लाइमस्टोन और माइका ही है जो थोड़ा बहुत बिहार में पाया जाता है। तो बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु एंड झारखंड में ये पाया जाता है। तो इस तरह से आज के वीडियोज में हम इतना ही समझेंगे, अगले वीडियोज में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।